वेलकम टू सैफई एशिया के सबसे हाईटेक गांव में आपका स्वागत है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई इटावा। लेकिन सैफई गांव एक ऐसा गांव है जहां पर क्लॉक टावर भी बना हुआ है। देखिए, ये अभयराम जी का घर है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के भाई का घर है, ये किसान बाजार है और सिर्फ ये सारी चीजें एक गांव के अंदर मौजूद है। देखो भैंस किस पे बैठी है, किस पे लेटी है, आराम फरमा रही है। सैफई गांव में पेट्रोल टंकी भी है, देखिए भाई साहब पीछे। और ये देखिए यहां पर सैफई गांव के अंदर तहसील भी बनी हुई है। अमिताभ बच्चन जी के नाम से सैफई में एक कॉलेज बन गया। सैफई गांव की स्पेलिंग बताओ, SAIFAI। ये ऑफिस नहीं है, ये घर है। और ये बिल्डिंग एक स्विमिंग पूल है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर विशाल मूर्ति का निर्माण कर रखा है नेताजी मुलायम सिंह यादव ने। ये देखिए, कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ पर घूमा करते थे। भैया जैसे गांव किसी पहुंच जाओ तो गांव के लोग बताते हैं कि हमारे गांव में भैया सड़कें नहीं सही बनी। कुछ लोग बताते हैं अम्मा अम्मा अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ नाली नहीं सही बनी अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ घर नहीं सही बने अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमका सिलेंडर नहीं मिला अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमको शौचालय नहीं मिला अम्मा। सब है, सब 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 है, सब गलियों हैं, शौचालय हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का घर है। यहीं से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। वेलकम टू सैफई एशिया के सबसे हाईटेक गांव में आपका स्वागत है। जी हाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सैफई गांव है और आप पीछे देख सकते हैं ये स्टेडियम बना हुआ है, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। किसी गांव में इस तरह का स्टेडियम आपने कभी नहीं देखा होगा। तो सैफई के गांव का आज मैं भ्रमण करने वाला हूँ, सैफई में क्या क्या बना है और सैफई क्यों इतना हमेशा चर्चा में रहता है, तमाम चीज़ों से आज पर्दा उठने वाला है। तो आप अपनी नज़रें गड़ा कर रखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए मेरे साथ। इस स्विमिंग पूल का निर्माण 2017 में हुआ था जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उद्घाटन इसका नहीं हुआ है। ये भी सैफई में ही है। आप देखिए ये जो आप लपलपादी हुई बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये हमारे देश इंडिया के एक छोटे से गांव सैफई में है और ये बिल्डिंग एक स्विमिंग पूल है। जी हाँ, जो बिल्डिंग है ये किसान बाजार है। देखो भाई गांव के अंदर देखिए कैसी चीजें आपको दिखाने, ये देखिए इस तरह की डिजाइन देखिए, इस तरह का लुक देखिए, आपको ये चीजें शहरों में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसान बाजार है और सिर्फ ये सारी चीजें एक गांव के अंदर मौजूद है। बहुत अलग है ये, बहुत अद्भुत है ये। और इधर का भी नजारा एक बार देख लीजिए, ये किसान बाजार है। और ये देखिए यहाँ पर सैफई गांव के अंदर तहसील भी बनी हुई है। घर में या गांव में किसी से वाद विवाद हो जाता है तो भाई साहब यहाँ पर आइए, सुलह समझौता कराइए, आपस में जिंदगी खुशहाल जिंदगी बिताइए। इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन जी का आगमन सैफई में हुआ। सैफई में आगमन हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद सैफई में देखा गया कि अमिताभ बच्चन जी के नाम से सैफई में एक कॉलेज बन गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन राजकीय इंटर कॉलेज सैफई इटावा। तो देख सकते हैं सैफई में क्या क्या सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया कराई गई हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से। आइए और क्या सैफई में वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे साथ, ये देखिए प्रशासनिक भवन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई इटावा। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट कॉलेज भी है। तो ये देखिए सैफई गांव में क्लॉक टावर, वैसे गांव में है टावर वगैरह आपने कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन सैफई गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पर क्लॉक टावर भी बना हुआ है। देखिए कितना ऊंचा है, कितना। सैफई गांव में पेट्रोल टंकी भी है, देखिए भाई साहब पीछे। आइए और भी कुछ दिखाते हैं आपको नया सैफई गांव में क्या क्या है। आइए, अगर जो आप घर से परेशान हैं, अगर जो आप लोगों से परेशान हैं, तो सैफई के एक छोटे से कोने में आ जाइए और इतने बड़े हनुमान जी के दर्शन करिए और अपने जीवन का उद्धार पा लीजिए। भाई साहब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर विशाल मूर्ति का निर्माण कर रखा है नेताजी मुलायम सिंह यादव ने। यहाँ पर देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नीचे बड़ा बड़ा बोल्ड और कैपिटल में लिखा हुआ है सैफई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, आगे बढ़ते हैं। मजबूत रोड है और यहाँ पर गोबर का एक बढ़िया अंबार लगा हुआ है, उसके पीछे खेत है और उसके पीछे अगर जो देख सकते हैं तो उसके पीछे मुझे दिखाई दे रहा है गांव लपलपा रहा है। जो आपको मकान दिखाई दे रहे हैं यही सैफई गाँव है और इसी गाँव से नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ, क्या क्या यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं जो सर अन्य गाँव में नहीं है? आप ऐसे पूछिए, यहाँ ऐसी कौन सी सुविधा नहीं है जो यहाँ नहीं है? तो ज़्यादा अच्छा सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ है। शहर भी शहर है, गांव का गांव है। और कैसे बच्चों? अच्छे। क्या नाम है? अभ्यांश। आपका? प्रशांत। कौन सी क्लास में हो? 8th। और आप? 8th में। 8th में? यस। अच्छा, मैं सैफई गांव में खड़ा हूँ। सैफई गांव की स्पेलिंग बताओ। SAIFAI। अखिलेश यादव की स्पेलिंग बताओ। पता नहीं, नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लाइव चल रहा है, ये मालूम है इनको? लाइव चल रहा है कि ऑफलाइन चल रहा है? मैं स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, ये नहीं मालूम है इनको। सैफई गांव के बच्चे कितना पढ़े लिखे हैं ये भी मैं जानने की बेटा कोशिश कर रहा था। अरे ये देखो एम्बुलेंस निकली, ये कहाँ से निकल पड़ी भाई? ये हॉस्पिटल भी है क्या यहाँ? ये गाँव का हॉस्पिटल है, ये गाँव का हॉस्पिटल है। देखिए गाँव से एम्बुलेंस निकल रही है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना आपको यहाँ पर क्या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये और ही सच बात है कि यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है। कुछ कह रहे थे भाई? मैं यही कह रहा था कि यहाँ मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी कोई चीज ना हो। सैफई गांव आज आपको घुमा रहा हूँ, भ्रमण करा रहा हूँ। ये देखिए एम्बुलेंस कहीं से निकली थी, कहाँ से निकली थी भाई, इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या है। ये देखिए भाई,
गांव के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है, ये सरकारी हॉस्पिटल है और यहीं से अभी मैंने एम्बुलेंस को निकलते हुए देखा। ये हॉस्पिटल किसने बनवाया? नेताजी की शुरुआत वाले सरकार का सबसे पुराना यही हॉस्पिटल है। सबसे पुराना हॉस्पिटल है यही, सबसे पहले नेताजी ने, ये जब नेताजी मिनिस्टर हुए थे पहली बार, जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले यही बनाया था। अच्छा, सबसे पहले बताते हैं कि इस हॉस्पिटल को नेताजी ने बनवाया था और सैफई में सबसे पहला काम यहीं पर शुरू किया था नेताजी मुलायम सिंह यादव ने। तो देखिए, मैं एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर साफ सफाई देख लीजिए, ऐसे हॉस्पिटल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखिए, चारों तरफ गंदगी का तो नामो निशान नहीं है, बढ़िया हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर पर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, भीड़ यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र की है। सैफई में एक सामुदायिक हॉस्पिटल भी है। आइए, ये अभयराम जी का घर है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के भाई का घर है। अंदर देखो, गाय भैंसे भैया झमक के बंधी हुई हैं और लोग चारा पानी कर रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है, शाम का समय है। ये सैफई गांव है नेताजी मुलायम सिंह यादव का। देखिए, इस तरह की पतली पतली गलियां हैं। ये देखिए, कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां पर घूमा करते थे, आवागमन के रास्ते ये हुआ करते थे। अम्मा जी बैठी हुई घर के बाहर। अच्छा अम्मा, यहाँ सुविधाएं सारी हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, कोई ऐसी कोई अम्मा चीज बताओ मैं जो होनी चाहिए और यहाँ है नहीं? वो सब चीज है, होनी कहाँ चाहिए अब और का ऐसा। अच्छा, बात है, गांव में है, गांव सब चीज है भैया। जैसे गांव किसी पहुंच जाओ तो गांव के लोग बताते हैं कि हमारे गांव में भैया सड़कें नहीं सही बनी। कुछ लोग बताते हैं अम्मा अम्मा अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ नाली नहीं सही बनी अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ घर नहीं सही बने अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमका सिलेंडर नहीं मिला अम्मा, कुछ लोग कहते हैं हमको शौचालय नहीं मिला अम्मा। हमारे गाँव सब है, सब 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 है, सब गलियों हैं, शौचालय हुए और सब चीज है, सिलेंडर सबके घर ना गाने, घर ना जा घर में है ना शौचालय, सबके घर है, सबके घर में, सबके सिलेंडर वगैरह सबके घर, सबके घर है, दूध है, एक एक जो है। तो गांव की गलियां मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए गांव की गलियां कैसी हैं, इस तरह की सफाई गांव की गलियां, ये देखिए बिल्कुल आम गांव है, ऐसे बोलूंगा तो दिखने में तो मुझे बिल्कुल आम दिखाई दे रहा है। सकरी सी गलियां हैं, सकरी सी गलियों में हमारी टीम घूम रही है, सफाई गांव के अंदर आज हमारी टीम घूम रही है। ये देखिए पक्की रोड है और इधर देखिए सिंगल, उधर घर बने हुए और वहाँ तक पक्की रास्ता गई हुई है, वहाँ तक रास्ता बनी हुई है। अब मैया पीछे से बोल रही हैं, घर दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा अम्मा, उधर तो कॉलोनी मिलनी चाहिए, उधर नहीं मिला। हाँ, पक्का घर नहीं बना उनका? पक्का ही है जगह। ये देखिए गांव की ये दुकानें होती हैं और आज भी उसी तरह की दुकानें बनी हुई हैं, लोग यहाँ से आते हैं अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। तो ये गांव के अंदर सुविधाएं हैं, ये इधर देखते हैं क्या है और हमारा आइडिया ही सिर्फ सिंगल घर होगा और देखते हैं भाई है कि नहीं इधर कुछ है। तो ये देखिए, मैं एक एक गली में घुस कर आपको सैफई गांव दिखा रहा हूँ। इधर से रोड ख़त्म और देखिए वहाँ तक ये इंटरलॉकिंग वाला पत्थर लगाया गया है, पूरा मतलब कि सुविधा घर के अंदर तक देने की कोशिश रही है। अम्मा, हम देख रहे हैं सड़कें जो यहाँ की हैं, घर तक अंदर तक पक्की बनी है। पक्की हम किसी गांव में अम्मा नहीं देखे। अच्छा भी। हम पूरा उत्तर प्रदेश अम्मा घूम डाले चाची, पूरा उत्तर प्रदेश। अच्छा। और किसी के घर तक इस तरह की सड़कें नहीं देखी। अच्छा। और पता है अम्मा, जैसे हम किसी गांव जब जाते थे तो हमसे लोग कहते हैं हमको भैया हमारे यहाँ गाँव में सड़क नहीं बनी है, कुछ लोग अम्मा कहते हैं कि हमारे यहाँ गाँव में नाली नहीं बनी है। अच्छा, यहाँ पैसा कुछ है क्या? यहाँ पे तो मुझे सब सब नाली सब कम्प्लीट है। और अब हम धीरे धीरे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के घर की तरफ पहुंच रहे हैं, उस घर के पास पहुंच रहे हैं जहां से मुलायम सिंह यादव जी तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये देखो घर है, ये ऑफिस नहीं है, ये घर है और बेहतरीन बढ़िया कांच वाँच लगाया गया है। और इधर देखो भैंस वैंस बंधी हुई हैं। अम्मा, ये भैंस के नीचे कहाँ डाले हैं? चटाई है, चटाई अम्मा। देखो भैंस किस पे बैठी है, किस पे लेटी है, आराम फरमा रही है। भैंस के लिए भी बढ़िया बेड यहाँ पर इंतजाम किया गया है। आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि अभी तक इस गांव में मुझे एक भी घर कच्चा नहीं दिखा है अभी तक, और पूरा गांव में सर्वे कर डाला हूँ, पूरा गांव में घूम रहा हूँ और अभी भी हमारा सफर जारी है। आगे बढ़ते हैं, नेताजी का घर ये है। देखिए हम फाइनली नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के घर पर आ चुके हैं और घर के पीछे वाले हिस्से पर निकले हुए हैं और पूरा सैफई मैं आपको घुमाते हुए आया हूँ, पूरा का पूरा सैफई मैंने घुमाया। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का घर है, यहीं से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके, एक बार रक्षा मंत्री रह चुके, 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके, यहीं से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। सैफई गाँव में क्या क्या खास है ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था, आपको यहाँ पर क्या खास दिखा और क्या है यहाँ पर ऐसा जो हमेशा चर्चा में रहता है सैफई गाँव, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, सैफई।